अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मानूर है और मैं आज आपसे एक्ने की वजूहात और उसके इलाज के बारे में बात करूंगी। मेरा चैनल हेयर और स्किन रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करता है और अगर आपका इंटरेस्ट इन टॉपिक्स के अंदर है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। एक्ने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जिनमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मेंटल हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स और हार्मोनल इश्यूज होते हैं। सबसे ज़्यादा केसेस जो हमारे पास रिपोर्ट होते हैं एक्ने के, उनमें सबसे ज़्यादा हार्मोनल इश्यूज की वजह से होने वाली एक्ने होती है। हार्मोनल इश्यूज की वजह से होने वाली एक्ने ज़्यादातर एंड्रोजेंस के लेवल बॉडी में इंक्रीज होने की वजह से होते हैं। जब एंड्रोजेंस का लेवल आपकी बॉडी में इंक्रीज होता है तो आपकी बॉडी के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जब उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है तो वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। आपकी स्किन के ऊपर जो ऑयल प्रोड्यूस होता है उसको सीबम कहते हैं बेसिकली। तो जब सीबम ज़्यादा बनता है, ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, तो उसके वो बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाता है कि उसके ऊपर बैक्टीरिया अटैक करे और उसको इन्फेक्ट करके आपके जो फेस है या आपकी शोल्डर्स हैं या आपके बाजू हैं, डिफरेंट जिस्म के हिस्सों के ऊपर जो है वो दाने बना देते हैं, जिनको हम बेसिकली एक्ने कहते हैं। एक्ने सबसे ज़्यादा टीनेजर्स में होती है, जो कि 13 से ऑनवर्ड्स बहुत सारे बच्चे जो हैं या बच्चियां जो हैं वो कंप्लेन करते हैं एक्ने की। उस वक़्त ये एक्ने ज़्यादा होने की रीज़न ये होती है कि बेसिकली हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो जब हम इस तरह की चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली इंसुलिन ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। इंसुलिन जो बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर एंड्रोजेंस का जो जिन है वो फीड कर रहा होता है, ठीक है। तो जब एंड्रोजेंस का जिन को बहुत ज़्यादा खुराक मिल रही होती है तो ऑब्वियसली वो इंक्रीज कर देता है, और जब वो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है तो वो आपके क्या कहते हैं, ऑब्वियसली हार्मोन्स को जो है उनके लेवल्स को डिस्टर्ब कर जाता है, क्योंकि वो कहते हैं भाई मैं ज़्यादा हो गया हूँ, तो बाकी सब चीज़ों को ऑब्वियसली वो इम्बैलेंस करता है। जब वो इम्बैलेंस कर देता है उसकी वजह से ऑब्वियसली फिर आपकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आते हैं, जिस तरह उनके इंक्रीज होने की वजह से आपकी सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और वो इन्फेक्ट होता है, जिसकी वजह से पिंपल्स बनते हैं। मेल्स में जर्नली क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एज ऑब्वियसली, या बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करने से या इस तरह की वजह से, जब अगर फीमेल्स में एंड्रोजन ज़्यादा बन रहे हैं तो उसकी एक तो रीज़न ये होती है कि टीनेजर्स में जंक फूड और शुगर ये चीज़ें ज़्यादा ले रही होती हैं। दूसरी ये रीज़न्स होती है कि जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एंड आता है, यानी ड्यूरिंग पीरियड्स, बहुत सारी लड़कियां कंप्लेन करती हैं कि उनको मुंह पे दाने निकल आते हैं, तो जब बिल्कुल एट द एंड ऑफ योर साइकिल जहां पे आपको पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, तो उन डेज के अंदर आपके बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल बहुत डिक्रीज कर जाता है, और जब एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज कर जाएगा तो जाहिर है टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वो पिंपल्स पॉप आउट हो जाते हैं। और उसके अलावा फीमेल्स में एंड्रोजन इम्बैलेंस तब होता है जब उनको PCOS एक कंडीशन होती है, उसकी अगर इफ़ दे आर प्रोन टू दैट डिजीज़, या उनको वो डिजीज़ है PCOS की जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेवेंट होती है, जिसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी एंड आपको बताऊंगी, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है फीमेल्स में। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि एक्ने हो तो गई है और बहुत सारे लोग भी इससे अफेक्टेड हैं, तो इसका इलाज क्या है? एक्ने को ट्रीट करने का हम अगर अपनी चीज़ों को, नॉर्मल लाइफ की चीज़ों को कंट्रोल कर लें तो हम बहुत हद तक एक्ने को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने फेस पर सनस्क्रीन लगाएं। ये नहीं कि जब आप मतलब बाहर जाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप कहते हैं जी हम तो गाड़ी में जाते हैं, हम ऑफिस भी हमारा एसी है तो हम नहीं वहाँ, बट स्टिल द यूवी राइट्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड यू, ठीक है। आपके जो बल्ब्स हैं, डिफरेंट लाइट्स हैं, वो भी आपको यूवी लाइट्स दे सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए सनस्क्रीन स्पेशली बाहर जाते हुए, और वैसे भी अगर आप ऑफिस जाते हैं तो सनस्क्रीन लगाएं। नंबर टू, अपने फूड को जो है वो देखें कि आप क्या खा रहे हैं, अपनी फूड एक्टिविटीज़ को बेहतर करें। ऑयली फूड ना खाएं, ठीक है, जंक फूड, और बहुत ज़्यादा
मीठा ना खाएं, शुगर्स को कंट्रोल करें, क्योंकि जब आप शुगर्स को कंट्रोल करेंगे, इंसुलिन जो है वो अपनी एक लेवल पे फॉर्मुलेट होगी, और जब वो ज़्यादा नहीं बनेगी तो ऑब्वियसली एंड्रोजन के जिन को जो है वो खाने को नहीं मिलेगा, और ऑब्वियसली जब उसे खाने को नहीं मिलेगा तो वो इंक्रीज नहीं होगा। तीसरा ये कि अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को जो है वो बहुत ज़्यादा इनकल्केट कर लें। ये आपको सिर्फ एक चीज़ से नहीं बचाएगा, बल्कि कितनी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनसे एक्सरसाइज करने से आप जो है वो बच जाते हैं। विटामिन्स लें, विटामिन ए और डी बहुत अच्छे होते हैं, और डिफरेंट ब्रांड्स हैं डिफरेंट कंपनीज़ के जो विटामिन डी और ए का सप्लीमेंट भी देते हैं, ठीक है। जिस तरह GNC का ब्रांड है वो डिफरेंट विटामिन ए और डी का सप्लीमेंट देता है। उसके अलावा आप अगर कॉड लिवर ऑयल, जो वर्जिन कॉड लिवर ऑयल है, वो लेना शुरू कर दें, तो उसमें भी विटामिन ए और डी इट्स प्रेजेंट इन इट इन अ वेरी गुड अमाउंट। तो अगर वर्जिन कॉड लिवर ऑयल आप लेना शुरू कर देते हैं, आपको बहुत सारे मसलों का हल हो जाएगा, जोड़ों में दर्द होना, और क्या कहते हैं, आपकी लिवर हेल्थ बहुत बेहतर होती है, उससे स्किन का टेक्सचर बहुत बेहतर होता है, बाल अच्छे होते हैं और स्किन बहुत अच्छी होती है, एक्ने का मसला हल हो जाता है। तो वर्जिन कॉड लिवर ऑयल इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नाइस थिंग फॉर यू। कोशिश करें कि जब मल्टीविटामिन्स कोई सिलेक्ट करें तो ज़रूर उसमें देखें कि उसमें विटामिन B5, विटामिन B1 और उसके अलावा जिंक, ये चीज़ें ज़रूर हों, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो एक्ने को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हैं। विटामिन ए, डी, B1, B5 एंड जिंक। स्ट्रेस को कम करें, क्योंकि स्ट्रेस से कॉर्टिसोल लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं, और वो जो हैं ट्रिगर करते हैं अगेन आपके एंड्रोजेंस को इंक्रीज होने में। तो छोटी सी ज़िंदगी है, खुशी से गुजारें, क्यों आपने स्ट्रेस लेना है। और जब मैं आपके साथ हूँ तो फिर तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आई विल बी टेलिंग यू ऑल द सोल्यूशन फॉर योर हेयर एंड स्किन इश्यूज़। अच्छा जी, ये तो सारे ट्रीटमेंट्स हो गए या प्रिकॉशंस हो गए जो हम घर में ले सकते हैं एक्ने को कम करने के लिए या एक्ने को ख़त्म करने के लिए। एक्ने को ख़त्म करने के लिए मेडिकली हम ओरल एंटीबायोटिक्स भी ले सकते हैं, ठीक है, और एंटीबायोटिक जेल्स होते हैं डिफरेंट जो कि दिए जा सकते हैं। स्कार्स को भी थोड़ा सा कम करने के लिए कुछ जेल्स होते हैं, वो लिए जा सकते हैं, लेकिन परमानेंटली जेल्स या क्रीम जो है वो स्कार्स को ख़त्म नहीं करती। क्लिनिक के अंदर हम इसके क्या प्रोसीजर्स करते हैं कि हम इसके लिए केमिकल पील्स कर सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन बहुत अच्छे एस्थेटिशियन से या डॉक्टर से ही मशवरे के बाद और उनसे ही करवा के उसके इफ़ेक्ट अच्छे आते हैं, अदरवाइज़ क्योंकि केमिकल होता है स्किन बर्न भी हो सकती है। केमिकल पील्स के अलावा हम माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं, फेस के PRP कर सकते हैं, फिलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो एक्ने से क्रिएट होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, और आपको दोबारा से खूबसूरत और दिलकश बनाने के लिए, जो कि आप ऑलरेडी होते हैं बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बंदे का शार्टर होता है, उसको रीबूस्ट करने के लिए आप अच्छे क्लिनिक से अपने ये प्रोसीजर्स करवा सकते हैं डॉक्टर के मशवरे के बाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आप अगर किसी टॉपिक के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में उस टॉपिक का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर भी इसी तरह डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच।